नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हॉस्टल अधीक्षक श्रेणी द के लिए बाल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। यहां से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हमारा वीडियो लेक्चर एक है। यदि आप सपोर्ट करते हैं कॉमेंट करके इसका पार्ट टू की डिमांड करते हैं तो इसका अगला पार्ट मैं लेकर आऊँगा। यदि आप फ्री में PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनय स्टडी कैन 2.0 में जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक है, यहाँ से भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आप जाइएगा टेलीग्राम चैनल में, सर्च बार में टाइप कीजिएगा विनय स्टडी कैन 2.0, सबसे ऊपर में चैनल आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब समझते हैं बाल मनोविज्ञान क्या होता है। बाल मनोविज्ञान के बारे में आपने BEd और DEd में अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आप बाल मनोविज्ञान के बारे में नहीं जानते, BEd DEd नहीं किए हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को समझा दूँगा कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है। आप बेहद सरल भाषा में जान पाएंगे कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है। देखिए, बाल का मतलब होता है बालक, मनो का मतलब होता है उनके मन में जो विचार चल रहे हैं, उनकी बुद्धि, उनका व्यवहार। और विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध अध्ययन करना, विज्ञान कहलाता है। तो इसमें हम बालक के विभिन्न अवस्थाओं का, विभिन्न बौद्धिक स्तर का अध्ययन कर रहे हैं, उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अब बालक जो है जन्म लेता है, उसके बाद मर जाता है। तो जन्म से लेकर मरने तक विभिन्न अवस्थाएं होती है, तो उन अवस्थाओं को हम विभिन्न भागों में बांटे हैं। 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों का जिस मनोविज्ञान के शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। देखिए, बच्चा जन्म लेता है उससे पहले गर्भावस्था में होता है, गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक बालक जो है किशोर अवस्था में होता है और इन अवस्थाओं का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। इनके विभिन्न अवस्था होती है, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होकर बालक गुजरता है। सबसे पहले आता है गर्भावस्था, उसके बाद आता है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। तो इसमें 4 अवस्थाएं होती है, किसमें? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत 4 अवस्थाएं, क्योंकि हम शुरू से लेकर 0 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो पहला अवस्था है गर्भावस्था, दूसरा अवस्था है शैशवावस्था, तीसरा अवस्था है बाल्यावस्था और चौथा अवस्था है किशोरावस्था। इसके बाद युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, उसके बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो हम मुख्यतः बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत 4 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। आप क्रम से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गर्भावस्था 0 वर्ष और किशोरावस्था 18 वर्ष तक ध्यान में रखेंगे। अब चलिए इसका परिभाषा देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान की क्या परिभाषा हो सकती है। बाल मनोविज्ञान की परिभाषा, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। वर्ग के अनुसार बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाला वैज्ञानिक यानी मनोवैज्ञानिक वर्ग है। तो सबसे पहले वर्ग ने ही बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। ध्यान में रखेंगे, बाल मनोविज्ञान को किसने सर्वप्रथम परिभाषित किया? तो वर्ग है, उसने बाल विज्ञान को या बाल मनोविज्ञान को ऐसा विज्ञान कहा है जिसमें बालकों के व्यवहार का पता लगाने वाला विज्ञान बताया है। इसके अनुसार बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार को बताता है, ऐसा इनका मानना है। उसके बाद आए पेस्टोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया है। तो ध्यान में रखेंगे, पेस्टोलॉजी जो है बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया है। इन्होंने अपने
3.5 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया है। तो ध्यान में रखेंगे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने बालक पर अध्ययन किया, तो कौन है पेस्टोलॉजी, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है बेबी बायोग्राफी। ये यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन्होंने बताया वयस्क एवं बालकों का व्यवहार अलग अलग होता है। बालकों का व्यवहार वयस्क के व्यवहार से अलग अलग होता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। स्टैनली हॉल ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, बाल मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है, इन्हें बाल मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे ये एकदम श्योर है पूछा जाएगा, स्टैनली हॉल को बाल मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। इन्होंने मनोविज्ञान के संदर्भ में छोटे छोटे बालकों का अध्ययन किया और प्रश्नावली का निर्माण किया। सबसे पहले मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण R.S. वर्ड द्वारा किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए जनक जो है स्टैनली हॉल है और इन्होंने भी प्रश्नावली का निर्माण किया है, लेकिन सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण R.S. वर्ड द्वारा किया गया है। बाल मनोविज्ञान में बालक की सभी अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन स्टैनली हॉल ने किया है। क्रमबद्ध अध्ययन गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एक क्रम है, इसी क्रम में सबसे पहले अध्ययन स्टैनली हॉल ने किया है। क्रो एंड क्रो ये भी बाल मनोवैज्ञानिक है। 20वीं शताब्दी बालकों का काल है, यानी बालकों की अवस्था है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सबसे पहले बाल विकास गृह व बाल सुधार गृह का निर्माण कराया। तो ध्यान में रखेंगे क्रो एंड क्रो ने सबसे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बाल विकास गृह एवं बाल सुधार गृह का निर्माण कराया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं अभिवृद्धि और विकास क्या है, दोनों में अलग अलग है और दोनों साथ साथ भी चलता है। अभिवृद्धि संकीर्ण अर्थ है, छोटा अर्थ है, इसका सामान्य अर्थ बढ़ना है। अभिवृद्धि का अर्थ बढ़ना है यानी वृद्धि होता है, कोशिकाओं में बढ़ोतरी होती है, इसका केवल व केवल शारीरिक पक्ष हो इसमें शरीर की बढ़ोतरी होती है। अभिवृद्धि छोटा होता है, संकीर्ण होता है, कोशिकाओं में बढ़ोतरी होती है, शारीरिक पक्ष में बढ़ोतरी होती है। अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता। देखिए ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होते, अभिवृद्धि एकांकी होती है, अभिवृद्धि एक पक्षी होती है। लंबाई चौड़ाई एवं भार में वृद्धि अभिवृद्धि दर्शाती है। लंबाई में चौड़ाई में वृद्धि जो है अभिवृद्धि को बतलाती है, लंबाई चौड़ाई में वृद्धि अभिवृद्धि को बताती है। अभिवृद्धि संख्यात्मक एवं मात्रात्मक होती है। ध्यान में रखेंगे यहाँ पर संख्यात्मक और मात्रात्मक होती है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे अभिवृद्धि संख्यात्मक एवं मात्रात्मक होती है, यह निश्चित समय तक चलती है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है, अर्थात निश्चित समय तक ही इसका चलना होता है। अब देखते हैं विकास डेवलपमेंट। विकास हमेशा कार्य क्षमता को दर्शाता है। मांसपेशियों का विकास व मजबूती होती है तो कार्य क्षमता को दर्शाया जाता है। विकास ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसका पक्ष देखते हैं, इसमें संवेगात्मक पक्ष होता है, नैतिक पक्ष होता है, मानसिक पक्ष होता है, शारीरिक पक्ष होता है, सभी प्रकार के पक्षों से ये संबंधित होते हैं। कौन? विकास। विकास में लंबाई में चौड़ाई में भार में वृद्धि को दर्शाता है। इसमें वृद्धि होता है, भार में वृद्धि होता है, चौड़ाई में वृद्धि होता है ना। विकास का संबंध केवल संख्यात्मक एवं गुणात्मक होता है, संख्यात्मक होता है और गुणात्मक होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में अभिवृद्धि भी सम्मिलित होती है, निहित होती है। विकास अभिवृद्धि से व्यापक होता है, व्यापक मतलब बड़ा होता है। अब समझते हैं अभिवृद्धि व विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात अभिवृद्धि होगी
तभी ही विकास होगा। अब देखिए, बालक में प्रारंभिक जीवन में अभिवृद्धि अधिक होती है, अभिवृद्धि होती है उच्च, विकास होता है निम्न। जैसे बालक बड़ा होता है, जीवन के अंतिम चरण में होते हैं, तो विकास अधिक हो जाता है, अभिवृद्धि छोटा हो जाता है। तो अभिवृद्धि कम होता है और विकास उच्च होता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान में रखेंगे कि बालक के आरंभिक जीवन में अभिवृद्धि का स्तर होता है उच्च निम्न दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आरंभिक जीवन में होता है अधिक अभिवृद्धि, विकास होता है कम। जब जीवन के अंतिम चरण में होता है विकास अधिक अभिवृद्धि कम, ध्यान में रखेंगे। अभिवृद्धि विकास के प्रमुख नियम व सिद्धांत। अभिवृद्धि विकास के प्रमुख नियम व सिद्धांत, सततता का नियम या निरंतरता का नियम। अभिवृद्धि एवं विकास निरंतर चलती है, अचानक अभिवृद्धि एवं विकास नहीं होता, है ना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और अचानक ये नहीं होती। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, अभिवृद्धि व विकास व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। एक ही प्रजाति के जीव में देखें तो कोई छोटा होता है, किसी का आकार बड़ा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। संसार के सभी प्राणियों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, लंबाई में, चौड़ाई में, भार में, है ना। एक ही प्रजाति के जीव में भार में अंतर देखने को मिलता है, लंबाई में अंतर देखने को मिलता है, चौड़ाई में अंतर देखने को मिलता है। उसके बाद है तीसरा नियम, परिमार्जिता का सिद्धांत। अभिवृद्धि एवं विकास को अर्जित किया जा सकता है, अर्जित मतलब प्राप्त किया जा सकता है। अभिवृद्धि व विकास को इच्छा अनुसार क्षेत्र में हम जोड़ सकते हैं। चौथा है समान प्रतिमान। हाथी व मानव के अंदर अभिवृद्धि एवं विकास प्रतिमान के अनुसार होगी, अभिवृद्धि एवं विकास प्राणी के प्रतिमान के अनुसार होगी, अर्थात प्रजाति को प्रतिमान कह सकते हैं। पांचवा है चक्राकार प्रगति का नियम। अभिवृद्धि व विकास रेखीय ना होकर चक्राकार प्रगति की होती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान में रखेंगे। अभिवृद्धि व विकास होती है चक्राकार, रेखीय, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अभिवृद्धि व विकास चक्राकार होती है। बालक जन्म लेता है, कुछ समय पश्चात 6 माह हो जाता है, उसके कुछ समय पश्चात 1 वर्ष, फिर आगे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। अभिवृद्धि एवं विकास चक्राकार होता है, ध्यान में रखेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में यहीं तक कवर किए हैं। यदि आप सपोर्ट करते हैं, कमेंट करके डिमांड करते हैं अगले पार्ट की, तो मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा इसका अगला पार्ट। तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर करेंगे तो मैं इसका अगला पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।